नमस्कार, मैं वासु। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। और यार, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोन चीको के द्वारा लिखी गई स्टोरी द बैगर। सो विदाउट एनी फर्दर स्टफ, लेट गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। ये कहानी शुरू होती है जब एक बैगर एडवोकेट सर्गेई को स्ट्रीट में कहता है, सर क्या आप एक मिनट के लिए मुझ पर ध्यान दे सकते हैं? मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। वो भगवान की कसम खा के कहता है, मेरे पास तो 5 कॉर्पेक्स भी नहीं है जिससे मैं आज रात के लिए एक होटल रूम बुक कर सकूं और उसमें सो सकूं। इससे पहले कि एडवोकेट सर्गेई उस बैगर को कुछ कहते, वो बैगर कहता है, मैं पिछले 8 साल से एक विलेज में स्कूल टीचर था, लेकिन मेरे कलीग्स ने मेरे खिलाफ कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची, उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ ऐसी चाल चली कि मैं उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गया और बेगुनाह होते हुए भी मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया। एडवोकेट सर्गेई उस बैगर को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो फोन कलर का कोट, उसकी वो डल ड्रंकन आंखें, वो उसके चीक्स पे रेड स्पॉट्स, वो सारी चीजें देख के उन्हें लग रहा था कि मैं इसे कहीं ना कहीं तो देखा हूँ। कि तभी वो बैगर कहता है, सर आप सोच रहे होंगे कि मैं एक टीचर था, तो मुझे अगर किसी ने जॉब से निकाल भी दिया तो मुझे एक नई जॉब मिल जानी चाहिए थी। बेशक आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मुझे कलूगा से एक जॉब ऑफर भी मिली है, लेकिन अफसोस मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं वहां तक जाके उस जॉब को ले सकूं। तभी एडवोकेट सर्गेई का ध्यान उस बैगर के शूज पे जाता है। उसकी शूज की एक हील हाई थी और दूसरी बहुत ज्यादा नीचे थी। उस बैगर के हील्स को देख के एडवोकेट सर्गेई को तुरंत याद आ जाता है कि ये तो वही इंसान है जो मुझे कल सदाविया स्ट्रीट पे मिला था। और वो उस बैगर को कहते हैं, तुम तो वही हो ना जो कल मुझे सदाविया स्ट्रीट पे मिले थे। कल तो तुम कह रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है, और आज तुम कह रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। मुझे पता है, ना ही तुम एक स्कूल टीचर हो और ना ही एक स्कूल स्टूडेंट हो, बल्कि तुम एक झूठे हो जो लोगों से झूठ बोल के उनसे भीख मांगा करते हो। ये सुन के वो बैगर कहता है, नहीं 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 सर, आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपसे कभी भी सदाविया स्ट्रीट पे नहीं मिला था, मैं तो कभी सदाविया स्ट्रीट गया ही नहीं। और फिर एडवोकेट सर्गेई कहते हैं, तुम कितने झूठे हो, तुम्हारी जगह इन स्ट्रीट्स पे नहीं बल्कि जेल के अंदर है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो तुम्हें अभी जेल के अंदर डाल देंगे। ये सुन के वो बैगर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एडवोकेट सर्गेई को कहता है, सॉरी सर, मैं आपसे जो भी कहानी बताया था वो सारी की सारी झूठ थी, मैं ना ही एक स्कूल टीचर हूँ और ना ही एक स्कूल स्टूडेंट, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं लोगों को सच बताऊँ कि मुझे वोडका खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो वो मुझे पैसे नहीं देंगे, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। और फिर एडवोकेट सर्गेई कहते हैं कि तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते हो, और वो बैगर कहता है, सर मैं कर ही क्या सकता हूँ। एडवोकेट सर्गेई कहते हैं, कर क्या सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, या तुम काम कर सकते हो? और फिर वो बैगर कहते हैं, हाँ वो मुझे भी पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काम देगा कौन और मैं काम करूँगा कहाँ। और फिर एडवोकेट सर्गेई कहते हैं, क्या तुम लकड़ियाँ काट सकते हो? और वो बैगर कहते हैं, सर अभी तो जो प्रोफेशनल लकड़ी काटने वाले हैं वो भी बेरोजगार पड़े हैं, आप मुझे कहाँ जॉब दिलवाएंगे? वो कहते हैं, मेरे पास काम है, तुम मेरे साथ चलो। और फिर एडवोकेट सर्गेई उस बैगर को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और वो अपने कुक को बुलाते हैं और कहते हैं, इस जेंटलमैन को वुड शेड की तरफ ले जाओ, ये हमारे लिए लकड़ियाँ काटेगा। और फिर उनकी कुक ओल्गा बाहर आती है और वो वुड शेड की तरफ चलने लगती है और उनके पीछे पीछे वो बैगर भी बिना मन के बस चलने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और तो और उसकी आंखों में अभी पिछली रात के वोडका का नशा भी था। एडवोकेट सर्गेई को लग रहा था कि यार ये काम इसके लिए ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि लकड़ियाँ काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ये तो अभी ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी वो बैगर ओल्गा के पीछे चुपचाप चलने लगता है क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। फिर एडवोकेट सर्गेई की कुक ओल्गा और वो बैगर दोनों के दोनों वुडशेड में पहुंच जाते हैं और फिर वो बैगर एक बड़े से लॉक के ऊपर बैठ जाता है, अपने सर को अपने हाथों के ऊपर रख लेता है और फिर कहीं और ही ख्यालातों में खो जाता है। ये देख के ओल्गा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जोर से एक्स को उठाती है और उस बैगर के पैर के पास बहुत तेज से फेंकती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से एक बड़े से लॉक को उठाता है, उसके ऊपर एक छोटी सी लकड़ी रखता है और उसमें एकदम धीरे से अपनी एक्स को मारता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो लकड़ी को काटने की जगह कहीं अपना पैर ना ले डूबे। और वो इतने धीरे से एक्स को उस लकड़ी में मारता है कि वो लकड़ी कटने की बजाय अपनी जगह से हिल जाती है और नीचे गिर जाती है। वो बैगर फिर से उस लकड़ी को उठाता है और उसे एक बड़े से लॉक के ऊपर रखता है और फिर धीरे से अपनी एक्स मारता है, लेकिन इस बार फिर से वो लकड़ी नीचे गिर जाती है कटने की बजाय। ये देख के एडवोकेट सर्गेई को लग रहा था, यार कहीं मैं एक गलत इंसान को तो नहीं उठा के लिया है, ये बेचारे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये खड़े हो पाए, ये लकड़ी कहाँ काट पाएगा। और फिर एडवोकेट सर्गेई अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी कुक ओल्गा आती है और वो एडवोकेट सर्गेई को कहती है, सर सारी लकड़ियाँ काट दी गई हैं।
ये सुनकर एडवोकेट सरगई बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं शाबाश, एक काम करो तुम उसे 50 कॉर्पेक्स दे दो। तो 50 कॉर्पेक्स बहुत ज्यादा अमाउंट होते हैं, जैसे कि उस बेगर ने इस स्टोरी के शुरू में बताया था कि उसके पास 5 कॉर्पेक्स भी नहीं है कि वो एक रात के लिए एक रूम बुक कर सके। तो इसका मतलब एडवोकेट सरगई ने उसे केवल लकड़ियां काटने के लिए इतने पैसे दे दिए कि वो 10 दिन तक एक रूम को बुक कर सकता था। और तो एडवोकेट सरगई अपने कुक ओल्गा को कहते हैं, एक काम करना उस जेंटलमैन को कह देना कि वो हर एक महीने आ जाया करे और ऐसे ही हम उससे कुछ इधर उधर के काम करवा लिए करेंगे और उसे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। और फिर ओल्गा 50 कॉर्पेक्स उस बेगर को जाके दे देती है। और फिर हर एक महीने वो बेगर आया करता था, कभी वो लॉन साफ कर दिया करता था, कभी घास छील दिया करता था, कभी मैट साफ कर दिया करता था और कभी लकड़ियां काट दिया करता था। और ये सारे काम के लिए एडवोकेट सरगई उसे 20 से 50 कॉर्पेक्स दे दिया करते थे। तब से कुछ महीने बाद की बात है कि एडवोकेट सरगई शिफ्ट कर रहे थे और वो उस बेगर को ही बुलाते हैं अपनी घर की फर्नीचर इधर से उधर शिफ्ट करवाने के लिए, लेकिन बाकी सारे मजदूरों के साथ वो बेगर काम ही नहीं कर रहा था। वो ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था और उनके पीछे पीछे बस सर लटका के चल रहा था। वो ऐसा सो भी नहीं कर रहा था कि वो कुछ काम कर रहा है। और फिर एडवोकेट सरगई उसे बुलाते हैं और ये देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उसने उस दिन ड्रिंक नहीं किया हुआ था। और वो उसे कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? और फिर वो बेगर कहता है, लस्कॉफ सर। और फिर एडवोकेट सरगई कहते हैं, अच्छा लस्कॉफ, क्या तुम्हें लिखना आता है? वो बेगर कहता है, यस सर, मैं लिख सकता हूँ। और फिर एडवोकेट सरगई उसे एक लेटर देते हैं और कहते हैं, तुम इसे लेके मेरे फ्रेंड के पास चले जाना, वो तुम्हें एक फॉर्मल काम दे देगा जिसमें तुम्हें कुछ चीजों को कॉपी करना रहा करेगा। और फिर लस्कॉफ वहां से चले जाता है। और फिर 2 साल बाद की बात है जब एडवोकेट सरगई एक थिएटर के बाहर एक मूवी की टिकट बाय कर रहे थे। वो मिडिल क्लास सीट बाय करते हैं और वो अपने बगल में देखते हैं कि एक छोटा सा इंसान बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस कपड़ों में एक लग्जरी क्लास की टिकट बाय करता है और वो उसे देख के पहचान जाते हैं, अरे तुम तो लस्कॉफ हो ना। और फिर लस्कॉफ उनके तरफ देखता है और कहता है, यस सर, मैं लस्कॉफ ही हूँ। और फिर एडवोकेट सरगई लस्कॉफ को कहते हैं, और बताओ सब कैसा चल रहा है? और फिर लस्कॉफ कहता है, सर आजकल मैं नोटरी का काम करता हूँ और मुझे पर मंथ 35 रूबल्स मिलते हैं। ये सुन के एडवोकेट सरगई को बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, देखो मैं तुम्हारे लिए भगवान का फरिश्ता साबित हुआ, मैंने तुम्हें सुधार दिया, मैंने तुम्हें ड्रिंक करना छुड़वा दिया और देखो ये मेरी डांट का ही असर है कि तुम ठीक हो गए और तुम आज कितना बड़ा काम कर रहे हो। तो यार आपको बता दूं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं ना, वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को जो लिखता है उसी इंसान को नोटरी कहते हैं। खैर एडवोकेट सरगई की बातें सुन के लस्कॉफ कहता है, यस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की, अगर आप नहीं होते तो मैं शायद आज भी झूठे टीचर या झूठे स्टूडेंट का बहाना बना के भीख मांग रहा होता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सुधारने में आपसे बड़ा योगदान आपकी कुक ओल्गा का रहा। ये सुन के एडवोकेट सरगई कहते हैं, क्या, लेकिन कैसे? और फिर लस्कॉफ कहता है, सर क्या आपको पता है, जब पहली बार मैं आपके घर पे लकड़ियां काटने आया था तब मैं एक भी लकड़ी नहीं काट पाया था। और फिर ओल्गा आती है, वो मुझे बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन मैं इस हालत में था ही नहीं कि मैं उस लकड़ी को काट सकूं। और फिर उसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं और वो मेरे लिए सारी लकड़ियां काट देती है। और आपको पता है, मैं जब भी ड्रंकन हालत में आपके घर में आता था, मैं कोई भी काम नहीं कर पाता था और मेरे सारे काम ओल्गा किया करती थी और वो मुझे बहुत डांटती थी। वो कहती थी, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी और भी बहुत कुछ, जिन्हें सुन सुन के फाइनली मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया और मैं एक अच्छा इंसान बन गया। और तभी थिएटर में बेल बज जाती है और लस्कॉफ एडवोकेट सरगई को कहते हैं, अच्छा सर मुझे चलना चाहिए। तो यार बस यहीं पे खत्म होता है एंटोन चीको के द्वारा लिखे गए चैप्टर द बेगर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा उसे नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।